Hi, my name is Elon Musk, and today I'll tell you why I love Intellectual Release's YouTube channel. अभी जो आपने देखा ये AI का कमाल था, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AI आपकी लाइफ को कैसे आसान कर सकता है, या मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो तो आपके लिए। तो सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है Pictory.ai। तो ये एक AI जनरेशन वीडियो टूल है जहाँ पे आप कंटेंट लिख के उसकी ऑटोमेटिकली वीडियो बनवा सकते हैं। मतलब मुझे अगर कोई वीडियो बनानी है तो मैं खाली टेक्स्ट टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा, वो मेरे को वीडियो बना के दे देगा। ये टूल बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप एक बेसिक लेवल की एडिटिंग करवाना चाहते हो। तो बेसिकली क्या है, आज के टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल है जिनसे अपनी वॉइस को, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो उसको मैं ट्रांसक्राइब करवा सकता हूँ ऑटोमेटिकली। मतलब वो इंग्लिश जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपने वो टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया और उसने आपको वीडियो कन्वर्ट करके दे दी। तो आपकी जो एडिटिंग के ऊपर जो ओवरलेज डालने हैं, जो भी करना है, वो बहुत सारी चीज़ों को वो आसान कर सकता है। दूसरा टूल है media.io। मुझे पर्सनली ये टूल अच्छा लगा, और इसका फ्रीमियम वर्जन भी है और एक पेड वर्जन भी है। media.io से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, ब्राउज़र के ऊपर ही। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर के अंदर। और जो आप एडिट करते हो उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम वाले फिल्टर मिलते हैं। मतलब अभी मैं जैसे रेगुलर वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे प्रॉपर बैकग्राउंड है, तो मैं इसके अंदर इफेक्ट्स ला सकता हूँ, पीछे से चिंगारियाँ निकाल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और फ्री वर्जन के अंदर आपको थोड़ी सी लिमिटेशन मिलती है, पेड वर्जन के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है AI से आपकी ऑडियो को भी एनहेंस किया जाता है। तो एडोब ने अपना एक फ्री टूल निकाल रखा है ऑडियो एनहेंसिंग का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑडियो को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मेरा जहाँ पे ऑफिस है बाहर मेन रोड है, वहाँ पे बसें घूमती है, सब कुछ घूमती है। हमने उस ऑडियो को टेस्ट करके देखा था कि अगर हम AI का यूज़ करते हैं तो हम किस लेवल से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सैंपल देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एडोब वाले फ्री टूल को यूज़ करके ऑडियो इम्प्रूव करी थी। हाय गाइस, मैं खड़ा हूँ अपने ऑफिस के बाहर और आप देख सकते हैं शोर किस लेवल का मच रहा है, किस तरह जा रहे हैं, कौन बज रहे हैं, और मैं ऐसा शूट कर रहा हूँ। ये अपने पास गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। हाय गाइस, मैं खड़ा हूँ अपने ऑफिस के बाहर और आप देख सकते हैं शोर किस लेवल का मच रहा है, किस तरह जा रहे हैं, कौन बज रहे हैं, और मैं ऐसा शूट कर रहा हूँ। ये अपने पास गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। तीसरा टूल है, ये फन टूल है पर क्या पता आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये एक AI टूल है जो कि आपको स्टार्टअप आइडिया जनरेट करने में हेल्प करके देगा। इसका नाम है ideas.ai। तो यहाँ पे आपको आइडियाज़ दिखाई देंगे, आपको येस करना है या नो करना है, आपको जो सा आइडिया अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है एक फन एक्टिविटी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बस येस नो करके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी, किसी को असाइनमेंट देना हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, अगर आप एक मार्केटर हो या फिर आप अपनी टीम के साथ कुछ खेलना चाहते हो, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ देना चाहते हो, तो उनको कहो तेरे पास में ये आइडिया, तेरे पास ये आइडिया, तेरे पास ये आइडिया, तेरे पास ये आइडिया, और इस आइडिया के ऊपर अपना कुछ भी बिल्ड करो। अगला टूल है भाई logo.com। यहाँ पे आप अपने लोगो जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान टूल है। यहाँ पे आप अपने ब्रांड के बारे में डालो और आपके पास में पूरी लिस्ट आ जाती है आपके ब्रांड के लोगोस की। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको इमेज आइकन वाला चाहिए, टेक्स्ट वाला चाहिए, कैसा चाहिए, आप यहां से ले सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल जो लोगो डिजाइनर्स होते हैं आपसे बहुत महंगा चार्ज करते हैं, यहां पे आप बहुत नॉमिनल मतलब फ्री के अंदर ही आप बहुत अच्छे लोगोस बना सकते हैं। पर अगर आपको कुछ कस्टम लोगो चाहिए तो उसके लिए आपको जनरेटिव AI टूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो हम आगे बात करने वाले हैं, जहां पे आप कमांड लिखोगे और आपके लिए लोगो तैयार हो जाएगा। अगला टूल है did.com, और ये बहुत ही मस्त टूल है। वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपने देखा था, हमने ऑडियो किसी और टूल से जनरेट करी थी और जो वीडियो जनरेट करी थी वो इसी से करी थी। यहाँ पे हम टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको वॉइस डालनी है और मुंह ऐसा हिलेगा जैसे लगेगा कि वही बोल रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। अगला टूल है soundful.com। soundful.com एक बहुत ही अच्छी चॉइस है अगर आप ऑडियोस यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर। आज के टाइम पे अगर आप कंटेंट क्रिएशन की बात करके चलो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक डालने पड़ते हैं, साउंड डालने पड़ते हैं, उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम टूल्स खरीदने पड़ते हैं जो कि आपको बहुत महंगे महंगे लाइसेंस देते हैं म्यूज़िक के। यहाँ पे आप अपनी विजन रखो, मुझे कैसा चाहिए, जैसा आप लिखोगे वैसा आपको बना के दे देगा। तो जो बैकग्राउंड पे म्यूज़िक बज रहा है इस वीडियो के, वो हमने इसी टूल से बनाया। अगला टूल है pebbly.com। ये जो टूल है ये आपके लिए अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस के अंदर, कुछ फ्री वर्जन भी है इसके, पर बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डालो और आपको बैकग्राउंड सब कुछ जनरेट करके दे देता है।
बहुत बढ़िया टूल है और मुझे लगता है कि ये एक डायरेक्शन जा रही है सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन की तरफ। अगला टूल है डाली 2 और ये एक जनरेटिव AI टूल है। जैसे हमने पिछली AI वाली वीडियो के अंदर बात करी थी, कंटेंट जनरेशन वाले टूल OpenAI, GPT और copy.ai, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप कुछ भी लिखो और आपका कंटेंट जनरेट करके दे देता है। जैसे डाली 2 हो गया, मिड जर्नी हो गया, ये सब क्या करते हैं, आप टेक्स्ट लिखो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक फ्यूचर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन की। अगला टूल है Merv.ai। Merv.ai आपको टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करके देता है और रियल ह्यूमन वाली क्रिएट करके देता है। ऐसा लगता है एक ह्यूमन बात कर रहा है, AI वाली फील नहीं आती है। और एक और टूल है इसी के साथ का भाई भाई वाला, जो कि आपके सॉफ्ट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। अभी के टाइम पे उसका ऑलमोस्ट फ्री वर्जन चल रहा है, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है और ये एफिलिएट लिंक नहीं है, पर अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो आपको भी कॉइंस मिलेंगे, मुझे भी कॉइंस मिलेंगे और हम और ज़्यादा ऑडियो जनरेट कर पाएंगे उस AI वाले टूल से। तो आपने जो स्टार्टिंग के अंदर AI वाली वॉइस देखी थी, उसके लिए हमने voice.ai का यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ यूज़ करी और AI ने एलोन मस्क की आवाज़ बना के दे दी उसी के अराउंड। अगला टूल है vocalremover.org। तो ये क्या कर रहा है, आपको कोई गाना पसंद है, आपको उसका कैरियोके बनाना है, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो ये आपको निकालने में हेल्प कर सकता है। या फिर आप चाहते हो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे बहुत ज़्यादा आ रहा था, आप वॉइस चाहते हो, आप उस वॉइस को हाईलाइट कर सकते हो। ये आपको दोनों लेयर्स को अलग करके दे देता है और आपको जिसको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी गाने के अंदर आपने एडिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पीछे आवाज़ ज़्यादा थी, या आप ब्लॉग शूट कर रहे थे, पीछे बहुत ज़्यादा शोर था म्यूज़िक का और आप चाहते हो आपकी आवाज़ हाईलाइट हो पर म्यूज़िक भी सुनाई दे, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं और अपने लेवल पे म्यूज़िक को सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हो पीछे का पूरा नॉइज उड़ जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा Adobe का जो ऑडियो एनहांसर है उसको। अगला टूल है मेटा डेमो लैब्स का स्केच। तो ये क्या है, आप स्केच करा हुआ कोई भी पेपर के ऊपर डिजाइन लो, उसको डाल दो और उसका आपको ये एनिमेशन बना के दे देता है। तो आपने कुछ भी स्केच किया, उसको डाला और ये आपको एनिमेट करके दे रहा है। आपको अपने अपने कुछ पॉइंट सेट करने हैं कि भाई ये हाथ है, ये पैर है। इनके पास बने बनाए बहुत सारे फीचर्स हैं जहाँ से आप डांस करा सकते हो, नचा सकते हो, मूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये आपको सोचना है स्मार्टली आप कैसे कर सकते हैं। आप अपना मैस्कॉट बना सकते हो पेपर के ऊपर और उस मैस्कॉट को इस टूल के ऊपर ले जा सकते हो और उस मैस्कॉट से बहुत सारी चीज़ें बना के आप सोशल मीडिया के अंदर जिफ, इमोजीज, अपनी वीडियोस के अंदर कहीं पे ये चीज़ें कर सकते हो। अगला टूल है stablediffusionweb.com। तो ये भी एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है और ये डिफ्यूजन इमेजेस का स्टार्टिंग वाला बंदा था। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ये टेक्स्ट टू इमेज वाला सीन किया था। डाली 2 जैसा पावरफुल नहीं है पर ये बहुत अच्छा है अपने डायमेंशन के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा आप तीनों को ट्राई करके देखो, इसको भी ट्राई करके देखो, मिड जर्नी को भी करके देखो एंड डाली 2 को भी यूज़ करके देखो। डाली 2 क्लोज है, मिड जर्नी का फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड पे जाना पड़ेगा, डिस्कॉर्ड के अंदर वो इंस्टॉल करके यूज़ करके देखना पड़ेगा और ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो यही टूल्स थे जो AI की दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप पहले से यूज़ कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो AI से काम हो रहा है, आपने कभी सोचा ही नहीं था ये वाली चीज़ें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एडिटिंग करते हो तो प्रीमियर प्रो की अगर हम बात करके चले तो प्रीमियर प्रो के अंदर भी बहुत सारे AI वाले ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आपकी ऑटो ऑडियो को इम्प्रूव कर देता है, आपके कलर को ऑटो बैलेंस कर देता है। अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात करके चलूँ तो उसमें रोटो का ऑप्शन था पहले। रोटो मतलब जैसे अभी ये मेरी वीडियो है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना मैं चाहता हूँ तो मुझे एक एक फ्रेम बाय फ्रेम उसको काटना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। तो अभी ये रोटो ऑटो पे कर दिया है। अभी के टाइम पे उस लेवल का एक्यूरेट नहीं है पर सही है, हाई क्वालिटी वीडियोस निकालता है। ये हम खुद ट्राई कर रहे हैं अपनी बाकी वीडियोस के अंदर। जो पिछली वीडियो आई थी उसके अंदर भी हमने एक दो जगह पे उसको ट्राई किया था, इस वीडियो में भी हम करने का ट्राई करेंगे। तो चलो आप बताओ आपका फेवरेट AI टूल कौन सा है, आप कौन सा AI टूल यूज़ करना पसंद करते हो, नीचे कमेंट के अंदर बताना। कुछ मैंने नए नए बताए हैं आप लोगों को, कुछ हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट वाले में बात करी थी, जो हमने बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो AI टूल्स काम को आसान कर रहे हैं, काम को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा। लोगों को लगता है AI सबको रिप्लेस कर देगा, हाँ 10 बंदों की टीम को 2 बंदों की टीम में कर देगा, 2 बंदे वो 10 बंदों का काम कर पाएंगे, पर वो 2 बंदे चाहिए होंगे और वो जो 2 बंदे चाहिए होंगे वो बहुत हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। तो एक्सीलेंस काम करेगी, नॉर्मल चीज़ें काम नहीं करेगी।
तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबाकर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।